وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون انتہائی قابل قدر معزز سامعین حضرات, ماشاءاللہ یہ سالانہ پروگرام جو کہ انعقاد پذیر ہے, اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے اور میرے سمیت سب دی حاضری نو بھی اللہ پاک شرف قبولیت نال نوازے. مہمان علماء کرام بھی کچھ تشریف لا چکے, کچھ تشریف لانے والے, میری حیثیت ایک مقامی فرد دی ہے, میزبان دی ہے, اس واسطے زیادہ طویل گفتگو مناسب نہیں سمجھا گا. جب تک حکم ہویا انشاءاللہ قرآن و حدیث دیاں کچھ تعلیمات تساں احباب دے سامنے پیش کراں گا اللہ دی توفیق نال. اللہ پاک شرح صدر نصیب فرمائے اور سن سنا کے سانو کتاب و سنت تے عمل کرنے والا بنائے. عزیزم ملک عبداللطیف صاحب اس بات دی طرف توجہ دلارے سن کہ اللہ رب العزت والجلال دی معرفت دے بارے, اللہ دی پہچان دے بارے قرآن و حدیث دا کچھ وعد کیتا جائے. میرے عزیزو اس الہ العالمین دی پہچان جو کہ انسان دا ایک بنیادی فریضہ ہے, چونکہ اگر اللہ پاک دی پہچان حاصل نہیں ہوئے گی تو یقیناً پھر انسان نہ تو عبادات دے اندر پورا اتر سکتا ہے, نہ معاملات دے اندر پورا اتر سکتا ہے, اور نہ ہی جو کبیرہ گناہ نے شب و روز دیاں غلطیاں نے انہ تو محفوظ رہ سکتا ہے. جس وقت اس مالک حقیقی دی معرفت حاصل ہو جائے گی, پتہ چل جائے گا کہ واقعتاً او الہ ہے اور اکیلا ہے, وحدہ لا شریک ہے, اس کا کوئی ثانی نہیں, کوئی بھائی وال نہیں. اپنے اختیارات دے اندر, اپنے نظام چلانے دے اندر, خالقیت دے اندر, مالکیت دے اندر, رازق ہونے دے اندر اس کا کوئی دوسرا ثانی نہیں. جس وقت یہ معرفت حاصل ہو جائے گی تو یقیناً پھر خود بخود اس بات کا بھی پتہ چل جائے گا کہ اسی اس مالک دی تخلیق اور او دے حکماں دے پابند ہاں, اپنی مرضی نال زندگی گزارنا اس ساڈے واسطے ممنوع ہے. اور ویسے بھی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الدنیا سجن المؤمن, کہ دنیا مومن واسطے قید خانہ ہے, جویں قیدی قید دے اندر
अपनी मनमानी नहीं कर सकता। इस तरह मोमिन दुनिया के रहिंदिया होया अपने आप नूं उस मालिक दा कैदी तसव्वुर करके पल पल दे उहदियां हुकमां दा मुहताज रहिंदा है। जो सुजू करदा है कि क्या फलां कम मैं करना चाह रहा मेरे मालिक ने मैनूं रोकिया ते नहीं, इस काम के अंदर कोई ऐसी खराबी तो नहीं जिदी वजह नाल मेरा इलाह मेरा मालिक मेरे ऊपर नाराज हो जाएगा। इस वास्ते अल्लाह पाक दी मारिफत बहुत बड़ी दौलत है। दुआ करिया करो अल्लाह सानू अपनी पहचान नसीब कर देवे। आमीन कह दे हो। माशाल्लाह मुकामी उलमाए कराम दी भी कसरत है। मौलाना अफजालुर रहमान आसिम साहब जो साढ़े शहर के बड़े प्यारे और बड़े उम्दा खतीब ने और माशाल्लाह हकीम भी ने तबीब भी ने वह भी तशरीफ ले आए और मेरे हम नाम शेखुल हदीस मौलाना मुनीर रहिमहुल्लाह ताला दे लखते जिगर मौलाना कारी अब्दुर्रहमान शहीन साहब आफिदाहुल्लाह ताला वो भी तशरीफ फरमाने और माशाल्लाह हजरत कारी यासीन यजदानी साहब मौलाना और दीगर आफिज मोहम्मद रेहान सलफी साहब और खतीब दिल नशीन ते शोला नवा खतीब ते फादले नौजवान मैं खा नौजवानी तो खैर ना गया हूँ मन्ने भावे ना मलक मोहम्मद इसाक साहब चुमें ये भी खतीब बन गया ना हूँ है जी और जुम्मन सुने जे ना माशाल्लाह मलक इसाक दे हैं अल्लाह पाक तरक्की नसीब फरमाए बड़ी अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है। दीन का फहम हासिल करना और दीन नाल जुड़ जाना किताबो सुन्नत नाल जुड़ जाना और फिर किताबो सुन्नत दे वाद नूं आगे पहुँचाना अपने असलाफ की याद नूं ताज़ा रखना ये बड़ी उम्दा रिवायत है। और माशाल्लाह इन्हां दियां जड़ियां तकारीर ने जिस वक्त पता चलिया कि मलक साहब माशाल्लाह खतीब ज़ीशान बन चुके ने तो मैं स्पैशल दोस्तों आखिया कि उन्हां दा खुतबा जुम्मा निकाल के दियो ताकि सुनिए है जी। और एक जगह पर बैठे स मैं भी सुन रहा स और मौलाना कारी अलीफ रबानी साहब अल्लाह पाक उन्हां दी भी जिंदगी दराज फरमाए वह भी सुन रहे सन और असं तबसरा कर रहे सी माशाल्लाह ये हजरत यजदानी शहीद यादा ताज़ा कर रहे हैं जी उन्हों का सदका जारी है इंजी गल है ना। अल्लाह पाक बही दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब फरमाए। अल्लाह की पहचान क्या है पुराने हकीम की सूरह अज़्ज़ारियात और 26वें पारे दिया जो मैं आयात मुकदसात तिलावत कीतिया ने खुतबा मसनूना दे कुछ अल्फाज की अदायगी तो बाद अल्लाह पाक ने इस मुकाम से इस हकीकत नूं वादे कीता। जरा गौर कीजिए अल्लाह पाक ने अपनी पाक कलाम के अंदर फरमाया वफिल अर्दी आयातुल लिल मुकिनीन वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। अल्लाह पाक ने फरमाया बंदे गाफिल अपने मालिक दी मारिफत तो क्यों गाफिल हुंदा जा रहे हैं अपने इलाह नूं पहचानने दी कोशिश करिया करना अपने मालिक दी मारिफत हासिल रखने दी कोशिश करिया करना अल्लाह नूं पहचान नहीं ते जमीन नूं वेंदा जाना और जमीन दे विचों वन सवनियां फसलां पईयां उगदियां ने बगात निकल रहे ने अंगूरियां जिना बेली फैल रही ने। अल्लाह पाक ने फरमाया हुआ फिल अर्दि आयातुल लिल मुकिनीन
जेड़े अल्लाह दी जात ते यकीन रखने वाले ने अपने रब ते ईमान लाने वाले ने उन्हां वास्ते यकीन वास्ते ईमान वास्ते मारिफत वास्ते रब की जमीन ही काफी है। और जमीन नू तक लैन ते अल्लाह पाक दी मारिफत हासिल हो जाया करती है। और जमीन नू अल्लाह ने तेरे मेरे वास्ते बेहतरीन बिछाउना बना दिता वे। और आइए जरा गौर करते जाना इस बाद अल्लाह पाक ने किया गया है। और जमीन नू बाद अंदर वेखी पहले अपनी तरफ तवज्जो कर लेना है। और अपने आप नू बार बार आईने दे अंदर देखना वे अपनी खूबसूरतियां दा इतराफ करता जा रहा वे अपने बाल संवारता जा रहा वे अपने चेहरे नू खूबसूरत बनाने की कोशिश करता जा रहा है। और कभी ये भी सोचा कर ये सारिया खूबसूरतियां के पिछे हाथ के शख्सियत दा है वो एक अल्लाह है जिसने तुहानू भी पैदा किया जिसने मैनू भी पैदा किया है। उस मालिक तो इलावा कोई और हो सकता? बोलो बोलो। उस खालिक तो इलावा कोई और हो सकता? अल्लाह पाक ने अपनी पाक कलाम दे अंदर फरमाया हुआ फी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। अल्लाह पाक ने फरमाया बंदे अदरा अपनी तरफ तकदा जाना तवज्जो करता जाना अपने हाथों वल वेंदा जाना और तेरे हाथों नु किन्ने बनाया वे और जुबान तो बोलदा है इस जुबान नु कुवते कोई आई किन्ने अदा की थी है अखियां नाल वेंदा है इन्ना अखियां नु जनाबे आली लालटैना किन्ने बना छड़िया वे और कन्ना नाल सुनदा है इन्ना कन्ना दे अंदर कुवत समात किसने पैदा फरमाई है। सारिया कारीगरियां करने वाली एक अल्लाह की जात बारी ताला है। माशाल्लाह शरकपुर तो तशरीफ लाने वाले साढ़े मुअज्जज मेहमान मौलाना बिलाल कुरैशी साहब अल्लाह पाक जिंदगी दराज फरमाए अहलम व सहलन मरहबा जी आया नू। आइए जरा गौर करते जाना तवज्जो के नाल बातें सुनते जाना है। कुरान की कह रहे हैं हुआ फी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून अपनी तरफ तवज्जो करता जाना ते गौरो फिक्र करता जाना और तासुब दियां निगाहां नू हटा के तासुब दियां शीशियां नू पीछे हटा के और एक अल्लाह दे नाल अपना राबता जोड़ने की कोशिश करता जाना। हाथ भी तेनू रब ने अदा किते ने जुबान भी तेनू अल्लाह ने अदा की है और जिस्म दा अंग अंग ते लू लू मेरे मालिक ने अदा कर दिता मैं। और आसमान तो पैगाम किया रहा जरा गौर करते जाना है। अल्लाह दी मारिफत दे बारे मैं चंद दलाल पेश करता जावा। अल्लाह ने आगे है बंदे तू अपने वजूद की तरफ नजर दौड़ा जाना है अपने आप वाल वेखता जाना और तेरी हकीकत क्या है। कुरान कह रहा अल्लाह पाक ने फरमाया खलकल इंसान मिन नुतफा दिन फइदा हुआ खसीम मुबीन। अल्लाह पाक ने फरमाया असा तेनू पैदा किया है एक हकीर जे नुतवे दे विचों पैदा किया मैं। और कमलिया बेवकूफा अज अल्लाह दी तौहीद दे बारे झगड़ा करना शुरू कर दिता है। अज तू दलीला दे रहा मैं कि नमाज पढ़नी नहीं नमाज कायम करनी है। अज तू दलीला दे रहा है कि सजदा करन दा हुक्म नहीं आया। अज तू दलीला दे रहा है कि जनाबे वाली माल नू मैं अपनी मर्जी दे नाल तकसीम करना है। अल्लाह की तौहीद के मद्दे मुकाबिल और तू दलाल पेश कर रहे हैं कभी गौर ते कर सोच ते सही। और तेनू पैदा करने वाला कौन है और कुव्वत अता करने वाला कौन है सारिया ताकत अता करने वाला कौन है। अल्लाह पाक ने गिले दे नाल इस बात का इजहार किया जरा गौर करते जाना है। और कुरान की कह रही है अय्युहल इंसान मा غرق ما غرق ما غرق بربك الكريم
الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ربك. اللہ پاک نے فرمایا انسان غافلہ اور کیڑی چیز نے تینو رب دی معرفت والوں دھوکے اندر پا دیتا میں اپنے مالک نو پہچاندا نہیں اور کاروبار نو سہاندا جا رہا میں اور نفع تے نقصان نو پہچاندا جا رہا میں اور تینو اے وی پتہ چل جاندا ہے اور مونجی دا پاؤ کی ہے اور تینو اے وی پتہ چل جاندا ہے اور گندم دا پاؤ کی ہے اور تینو اے وی پتہ چل جاندا ہے اے کپڑا ایک نمبر ہے یا دو نمبر ہے اور اے وی پتہ لگا لینا میں اور کوئی چمڑا ایک نمبر ہے یا دو نمبر ہے ہر چیز نو پہچان لینا کوالٹیاں تک پہنچ جانا میں اور جنابی علی لمبی چوڑی ریسرچ مار کے اور دور دراز تک پہنچ جانا میں اور گلیاں بازاراں چوکاں چوراہیاں نو پہچان لینا ہے انہیں ہی کملا ہو گیا ہے کہ جس رب نے تینوں پیدا کیتا تو انہوں نہیں پہچان سکتا اور کدی سوچ دے سہی اللہ پاک نے تینوں عقل تے شعور دے خزانے دے نال نوازیا ہے میرے مالک نے کچھ ایسیاں عطاواں تیرے تے کیتیاں نے کچھ ایسا سلوک تیرے نال کیتا ہے جڑیاں دوسریاں مخلوقات نال کیتا کدی سوچیا ہے شیر دے اندر بڑی قوت ہے بیڑیے دے اندر بڑی طاقت ہے ہیں جی جنگلی درندیاں دے اندر اور بڑی قوت ہے ہاتھی بڑا وزنی ہے ہاتھی بڑا بولو بولو تے سور دے اندر بڑی طاقت ہے انجی گل لینا لیکن بندہ او دے تے ہیوی ہے بندہ او دے تے اور ساپٹھوں میں بچھو بڑے زہریلے نے پر انسان او دے تے غلبہ کردا ہر شے انسان نو وے کے دوڑ دی ہے تے پیچھے کیڑی طاقت ہے آیا جس اللہ نے تینوں شعور عطا کیتا ہے جس اللہ نے تینوں شعور عطا کیتا ہے جس مالک نے اے تینوں دشمن تے سجن دی پہچان دسی ہے جس مالک نے تینوں حکمت تے دنائی عطا کیتی ہے جدے ذریعے تو بڑے بڑے پل تیار کر رہے ہیں دریاواں دے رخ پیا موڑنا ہے بڑے بڑے ڈیم بنا کے تے پانی دے کنٹرول کرن دیاں کوششاں کر رہے ہیں اور جدے جس عقل تے شعور دے ذریعے تو ہواواں تے فضاواں دے اندر اڑنے دے اندر کامیاب ہو جانا ہے جس عقل تے شعور دے خزانے دے ذریعے اب بندیا تو چند تک پہنچنا ہے تے کوشش کردا ہے تے جس عقل تے شعور دے ذریعے تو ساریاں خبراں حاصل کر رہے ہیں اے تینوں عطا کرنے والا اللہ دی ذات باری تعالی ہے اور جس مالک نے تینوں عطا کیتا ہے سب تو پہلو اونوں پہچانیا کر سبحان اللہ گل ہے نا جس مالک نے سب کچھ عطا کیتا ہے اس مالک دا حق ہے کہ سب تو پہلو انہوں پہچانی ہے اس واسطے ہی اللہ پاک نے گلے دے نال اس بات دا اظہار کیتا ہے اے اللہ پاک نے اپنی پاک کلام دے اندر فرمایا یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم اے انسان غافلہ تینوں کیڑی شے نے دھوکے اندر مبتلا کر دیتا میں اپنے مالک دی معرفت نوں کیوں بھول گیا میں کیوں پیچھے آ رہی میں اور کیوں جناب علی اپنے غلبے نوں بھولدا جا رہی ہے حالانکہ اللہ دی خلقگ وسواگ فعدلگ فی ای صورت ما شاء ربگ اللہ پاک نے فرمایا میں بنایا تے تینوں بالکل برابر بنایا میں ایک ہاتھ چھوٹا نہیں بنایا ایک ہاتھ تیرا بڑا نہیں بنایا ایک پیر چھوٹا نہیں بنایا ایک پیر تیرا بڑا نہیں بنایا اے تیرا جسم بالکل متوازن بنایا ہے اور برابری تینوں اللہ پاک نے بخشی ہے اللہ پاک نے فرمایا اس سے باوجود تو کیوں غفلت کرتا جا رہی ہے میں اور آئی
ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਵਾਰ ਚੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣੇ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਬਾਰੀ ਤਾਲਾ ਆ ਵੇਖ ਨਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੱਚੇ ਜਿੰਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਯੁਸ਼ਵਿਰੁਗੁਮ ਵਿਲ ਅਰਾਮੀ ਕੈਫ ਯਸ਼ਾ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਾ ਵਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਲ ਹਕੀਮ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਬਦਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕੈਫੀਆਤ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਾਗ ਲੱਗਿਆ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲੋਥੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਮੈਂ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਯਾਮ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹੱਡੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਹੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਮਾਸ ਚੜ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨੰਨਾ ਮੁੰਨਾ ਇਨਸਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਔਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸ਼ਗਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੇਟ ਮਈ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਬਿਨਾ ਬਣਾਵੇ ਸ਼ਗਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੇਟ ਮਈ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਬਿਨਾ ਬਣਾਵੇ ਬਿਨ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਬਿਨ ਔਸਾਰਾ ਉਹ ਕਾਮਿਲ ਗਰ ਦਿਖਲਾਵੇ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਕੋਈ ਗੋਰਾ ਚਿੱਟਾ ਇੰਝ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਮਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਬਾਪ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਪੁੱਤ ਸੱਤ ਨੇ ਅੱਠ ਨੇ ਨੌ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਅਤਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸ਼ਗਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਕਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਿਲਦੇ ਕੱਦ ਕਾਠ ਮਿਲਦੇ ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕੱਦ ਕਾਠ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਰੰਗ ਟੰਗ ਮਿਲਦੇ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਾਬਿਆਂ ਲਈ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਰਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕੋਈ ਚੋਖਾ ਹੀ ਸਖਤ ਹੈ ਕੋਈ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਨਰਮ ਹੈ ਕੋਈ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ ਰੁਪਈਆਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਲਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੌਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਡਣ ਲੱਗਿਆਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਟੁੱਟੇ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਦੇਖਦੇ ਆਰ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਡੰਗਰਾਂ ਵੱਲ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਇੱਕ ਲੈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 100 ਮੱਝ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਲੈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 100 ਗਾਈ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ ਹੈ ਇੰਝ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਲੜੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ ਰੰਗ ਢੰਗ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰੀਗਰੀਆਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਸੁਨਿਆਰਾ ਹੋਏ ਨਾ ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹਦੂਦ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਹਦੂਦ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲੈਣ ਜਾਏ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਇਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਮਹਦੂਦ ਸੱਚੇ ਨੇ ਪਰ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਬੇਬਹਾ ਨੇ ਭਰਾ ਭਰਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਭੈਣਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਖਤਿਆਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਗਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੇਟ ਮਈਏ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਬਿਨਾ ਬਣਾਵੇ ਬਿਨ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਬਿਨ ਔਸਾਰਾ ਕਾਮਿਲ ਗਰ ਦਿਖਲਾਵੇ
ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਗੋਰ ਚਿੱਟਾ ਤੇ ਕੁਦਰਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਵੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਰਾਤਾਂ ਰਾਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗਿਦ ਫਰਕ ਨਾ ਪਾਵੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਿਹਦਾ ਵੇ अल्लाह दा वे ना इस वास्ते उस मालिक दी मारिफत नु हासिल कीजिए और कुरान की कह रहे अल्लाह पाक ने फरमाया अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ करारन वस्समा बिनान वसवरकुम फअहसना सुवरकुम वरसगकुम मिनद दयबात सालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ اللہ پاک نے فرمایا اللہ دی معرفت حاصل کر اللہ اس ذات باری تعالی جنہیں زمین نو تیرے واسطے بچھونا بنایا رہن سہن دی جگہ بنایا قرارن رہن سہن دی جگہ بنایا بچھونا بنایا और वेख दे सही तू जमीन नाल की सलूक करना है जमीन तेरे नाल की सलूक कर रही है तू सारे दा सारा गंद जमीन अंदर भेज रहे हैं इंज ही गल है ना को बंदा मर जाए ते दफन जमीन अंदर कोई जानवर मुर्दार हो जाए पिंड वाले चक वाले कहंदे ने बदबू आ रही है चुको टोया कट के दफन कर दियो नप दियो कूड़ा किरकट किथे जांदा है जमीन ही जांदा है पर जमीन तेरे मेरे नाल की सलूक कर रही है असी जमीन नू बदबू दे रहे हैं जमीन सानू फुल्लां दी खुशबू दे रही है असी जमीन नू जड़ियां चीज़ां रिजेक्ट कीतियां ने खत्म कीतियां ने और फजूल ने वो जमीन अंदर भेज रहे हैं जमीन सानू खान वास्ते गंदम दे दाने दे रही है जमीन चावल दे रही है जमीन वनस्वन्ना कल्ला दे रही है जमीन सब्जियां खुशबू वाली तरकारियां दे रही है ते इस कारीगरी दे पिछे हाथ की दावे बोलो ते सही जाल लगुम अर्द गरार वसमा बिनान मौलाना बयान करना मैं दस दिया जे ताकि तजावज ना हो जो खत्म करनी गल उदो ही दस जाल लगुम अर्द करारन वसमा बिनान अल्लाह पाक ने जमीन साढ़े वास्ते जाय करार बना दिता है रहन सहन की जगह बना दिता है अल्लाह पाक ने फरमाया वसमा बिनान ते आसमान नू तेरे मेरे वास्ते रब ने छत बना दिता है आसमान नू छत किने बनाया ते रब दी छत कैसी है मैं सदके जावा उदियां कारीगरियां कैसियां ने जिदे थले थम ही कोई नहीं इंज ही गल है ना अब मस्जिद तैयबा दा बरामदा खत्म करके अगे बनाया गया दरमियान च थम देने पे दरमियान च थम देने पे ने कोई बीम पांदा है कोई थम रखता है कोई कुछ करता है कोई कुछ करता है और अल्लाह ने जड़ी छत सजाई है अल्लाह कहंदे ने ना थले तेनू कोई थम नजर आएगा ना कोई बीम नजर आएगा ते ना कोई कारीगरी बड़े चोटी का कोई कारीगर हो रब की कारीगरी च गलती कढ़ के विखाए इत की है एक ने लेंटर पाया दूजा आके नुक्स कढ़ता है ना भी हो कढ़न की कोशिश तो करेगा ना कोई साड़ ही फकेगा होर कुछ नहीं करेगा ते एक ने कोई शह बनाई है दूजा कहता नहीं इंज नहीं होनी चाहिए सी पर मैं सदके जावा
मेरे रब ने किस अंदाज दे नाल अल्लाह पाक ने फरमाया अल्लाहुल्लज़ी रफ़अ समावाति बिग़ैर अमदिन तरौनह। अल्लाह पाक ने फरमाया मैं आसमान नू बुलंद कर दिता वै और बगैर सतूना तो बुलंद कर दिता वै, वेखना मालक दी मारिफत नू हासिल करदा जाना। और जड़ी आयत मुबारक मैं पढ़दा जा रहा सा जाल लकुमुल अर्द करारन वस्समा बिनान वसवरकुम फाहसना सुवरकुम। अल्लाह पाक ने फरमाया आशा तुहाड़ियां शक्लां भी सोहणियां बनाईयां ने, इन्ने ने बंदे सोहणे ने जे वेखिए ते दिल करदा वेंदे जाइए, दिल करदा वेंदे जाइए। ये मेरे मालिक दियां कारीगरियां नौजवाना और गलियां बाजारां चौकां चुराहियां दे अंदर खड़िया हो के हुसन दा मतवाला बनना है, आउंदियां जांदियां नूं वेहना है और इस हुसन दियां बाजारियां कदी सोचिया कर उदे वल भी वेखिया कर जिन्हें सारे हुसन पैदा फरमाए ने। माशाल्लाह मौला अब्दुल अजीम मंसूर साहब जामिया मस्जिद तकवा अहले हदीस दे खतीब हैं जी, अल्लाह पाक जिंदगी दराज फरमाए, शेतो अफियत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए और अल्लाह इन्होंने वालदे गिरामी दे दराजात बुलंद फरमाए। आमीन कह दियो उरा गौर कीजिए ये सारिया कारीगरियां कितिया ने वसवरकुम फासना सुवरकुम। इत ही बस नहीं अल्लाह पाक ने फरमाया वरज़क़कुम मिन अद्दईबाती, अल्लाह ने तेरे मेरे वास्ते जमीन विचो रिजक भी पैदा किया है, रिजक भी अल्लाह ने बेहतरीन तेरे मेरे वास्ते पैदा किया है। वरज़क़कुम मिन अद्दईबात अल्लाह पाक ने पकीदा रिजक का भी इतमाम किया है, सारे इख्तियारात मेरे अल्लाह के कोल ने। और आइए दरा गौर करते जाना सूरह यासीन दियां आयतां मेरे सामने आ गई ने। कुरान की कह रहा वायतुल्लाहुमुल्लैल वायतुल्लाहुमुल्लैल नस्लखु मिन्नहार फइदा हुम मुस्लिमून वश्शम्सु तजरील मुस्तकर्रिल्ला ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम वल क़मर गद्दरनाहु मनाज़िला हत्ता कल उर्जूनिल क़दीम। अल्लाह पाक ने फरमाया है ये रात भी है, रात दे मद्दे मुकाबल दिन भी है, दिन बड़ा रोशन है ते रात चौकी अंधेरी है, रात नू अंधेरे दे अंदर ते दिन नू रोशनियां दे अंदर बदलने वाला कौन है? अल्लाह दी मारिफत है ये कौन है? अल्लाह कहंदे ने नस लहू मिन्नार केड़ी सादे बारी ताला है। आ सूरह यासीन पढ़िया करो, सूरह यासीन पढ़िया करो, डरिया ना करो। कई बंदे डरते ने, डरदिया नहीं पढ़ते, ये डरन वास्ते नहीं आई, पढ़ने वास्ते आई है। कुरान पढ़ के डरना खशियत अपने ऊपर तारी करना ये तो मोमन का अव्वलीन फरीद है ना, ये बात अलग है। लेकिन सूरह यासीन असा लोगों ने रख ली है फकत मुरदियों वास्ते, इंजी है ना, तो या सवाब मौलना कह रहे सवाब बिल्टी करने वास्ते, सवाब बिल्टी करने वास्ते रख ली है। तो कई बंदे एक पिंड के अंदर मैं गया उत्थे गल मैं खुद सुनी है कि असा तहकीक की है कि बंदे बहुते किवें मरते हैं, बंदे बहुते किवें मरते हैं। यकीन जान मैं अपने कोलों मफरूजा नहीं सुना रहा, मैं खुद सुनी है। आरव वाले तो अगे एक जगह सी उत्थे कहते हैं कि बंदे बहुते साढ़े डॉक्टर ने तहकीक की, प्रोफेसर ने रिसर्च की है भी करोना नाल बहुते मरे ने, यरकान नाल बहुते मरते हैं, हार्ट अटैक नाल बहुते मरते हैं, कैंसर नाल बहुते मरते हैं। तो गल तहकीक तो साबित हुई है कि नहीं, ये सारे पिछे ने सूरह यासीन नाल बहुते मरते हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह,
यानी ऐसे ऐसे लोगों ने मफरूजे कर लेने कई बाबे उन्हां कोल सूरह यासीन दा नाम लईए तो पिछे पै जांदे ने गालियां कढ़दे ने तेरा प्यो मरे तेरा दादा मरे तेरा परदादा तेरियां सत्ते नस्लां हैं जी यानी सूरह यासीन नूं मजाक बनाया हालांकि जिहड़ा बंदा तर्जमे नाल तफसीर नाल सूरह यासीन पढ़ लैंदा कदी गुमराह रह ही नहीं सकदा अल्लाह पाक ने इहदे अंदर ऐसे ऐसियां कुदरत दियां निशानियां रखियां ने आखरत दा यकीन अकीदा तौहीद दे बेशुमार दलाइल और अकीदा है खत्म नबुव्वत और रिसालत दे बेशुमार दलाइल ने जरा गौर कीजिए अल्लाह पाक ने फरमाया वा आया दुल्लकुमुल लैल नस्लाहु मिनहु नवार और केड़ी सादे बारी दाल है जिन्हें रात नु नशानी बना दिता है और रात नु अल्लाह पाक ने जो दिन नु रात तो उतारे है दिन नु खिचे है ते रोशनियां मुकाइयां ने ते फैज़ाहु मुज़लिमून तुहाडे ते अंधेरा आ गया ये रात दा अंधेरा जिहदे अंदर खौफ भी है ते सुकून भी है इंजी गल है ना बंदा इतमान महसूस करदा है ते जिहदे अंदर खौफ भी है ते दिन दी रोशनी अल्लाहु अकबर लखां लैलटां ना बाल लईए पर सूरज दा मुकाबला लखां बत्तियां बाल लईए पर सूरज दा मुकाबला कुरान कह रही है अल्लाह पाक ने फरमाया ए भी कुदरत दे दलाइल ने रब दी मारिफत दा हसूल है वह शमसु तजरी लि मुसगर लग ज़ालिक तकदीरुल अज़ीज़ुल अलीम अल्लाह पाक ने फरमाया सूरज चल रहा है इस अंदाजे दे तहत और जेड़ा रूट अल्लाह ने इनू अता कीता वे अपने रूट ते चलदा जा रहा वे अल्लाह पाक दा रब दिया हिकमता ने रब दा इलम है वल कमर गदर नाग मन हसिला हत्ता कल निल गदी अल्लाह पाक ने फरमाया है असां चंद दियां भी मंजिलां बनाईयां ने और जनाबे आली चढ़दे जदों पहले दिन हुंदा है एवी डिंगी जी छोटी जी लकीर दी शक्ल दे अंदर होया करदा वे वड़े वड़े मौलवी ऐनकां लगा के बैंदे ने वड़े वड़े मुफ्ती ऐनकां लगा के बैठ जांदे ने चंद वेखन बैठे ने अल्लाह पाक ने फरमाया छोटी जी एक लकीर दी शक्ल जे अंदर हुंदा है वल कमर गदर नाग मनाजिल और आहिस्ता आहिस्ता चेंज होती जा रही है लकीर बदलती जा रही है अपनी हालत कैफिया अंदर चेंज करता जा रहा मैं चलदियाँ चलदियाँ अगले दिन थोड़ा जहा बद गया तीजे दिन थोड़ा जहा बद गया तो वध्या ने तो लोगों रौला पा दिता और एक रोजा खाधा गया अज तो चंद एडा है होना ही नहीं सी चाहिए इंज ही गल है ना अल्लाह ने आखे कुदरत कि ने अल्लाह दिया ने ना और जनाबे आली चलद चलद तेरहवीं चौदहवीं आ गई तो फिर यदि रोशनी मुकम्मल हो गई रोशनी मुकम्मल हो गई मुकम्मल होने तो बाद पंद्रहवीं सोलहवीं सतारहवीं तो फिर पिछे नूं आना शुरू हो गया ते लियांदियां लियांदियां कल उरजुनिल गदीम ओए अठाईवीं रात तक बिल्कुल अल्लाह ने आख्या खजूर दी जड़ी छोटी बरीक डिंगी जी टहनी होंदी है ना उहदे वांगू हो गया वो कदी सोचते सही ये चंद ते सूरज नूं मुसखर करने वाला कौन है इन्हां नूं रोशनियां नाल भरने वाला कौन है ते रोशनी भी कैसी है लोड शेडिंग बोलो बोलो लोड शेडिंग कोई नहीं उस मालिक नूं कोई डैम बनाने की लोड़ है अल्लाह पाक नूं कोई जनरेटर रखने की लोड़ है बोलो तो सही अल्लाह नूं कोई जनरेटर रखने की लोड़ नहीं डैम बनाने की लोड़ नहीं और अल्लाह पाक ने जड़े दीवे जड़े चराग आसमान ते जलाए ने रोशनियां पहुंचा रहे ने किरना जनाबे आली दूर दराज तक पहुंचदियां जा रही ने लोगों के घर के अंदर सेन के अंदर हत्ता के छोटी जी झीत भी होवे उतों भी जनाबे आली सूरज की रोशनी पहुंच जाती है और ददई के कहने वाले ने रब दियां कुदरत दियां
निशानियां बयान की ने कहते कि दो दीवे आसमाना उदे घर घर जानन लावल दो दीवे आसमाना उदे घर घर जानन लावल ते हर हर बंदा जिद वल जावे ओ नाल बराबर जावन नारे तकबीर नारे तकबीर हाजत तरवा मुश्किल कशा माशाल्लाह माशाल्लाह यार सारे अल्लाह दी शान बयान हो रही है हाजत तरवा मुश्किल कशा हाजत तरवा मुश्किल कशा कारी अब्दुल रहमान साहब शेखुपुरी तुसी सारे भी इस नहीं होंगे ना कि बंदा जेड़ा जा रहा है दो जा रहे ने चार जा रहे ने पांच जा रहे ने कोई अगे वे कोई पिछे वे कोई इधर है कोई उधर है हर कोई दावा करता है चंद मेरे नाल है हर कोई की कहता चंद मेरे नाल है ते मौलना की कहते ने अब दो दीवे आसमाना उदे और कितने याद आए शेर रब्बानी हजरत मौलाना हबीबुर रहमान यजदानी सब क्या तो रहमतुल्लाह मैनू याद है दिसंबर का महीना सी ते 1986 ते दिसंबर का महीना सी मलक शायद तू उ होवे तू उहदी वजह तू पुरानी मुढ़ी है दिसंबर का महीना सी ते 1986 ते मस्जिद मुबारक अल हदीस जिथे मौलाना सलीम आजम साहब जुमा पढ़ाते हैं उत्थे जलसा हो रहा है यानी मेरे वालद साहब भी बैठे सन स्टेज पर इत्थे यजदानी साहब बयान कर रहे सन ते इत्थे करके मैं भी चुप करके बैठा सा तो सुनन दे यजदानी साहब की रुत जनाब यजदानी साहब कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं तो मिनट को गुजरे ना फिर पढ़न दो दीवे आसमान उदे घर घर जानन लावन हर हर बंदा जित वल जावे ते नाल बराबर जावन ते आबिद जाहिद फासिक फाजिर ओ नाफरमानी वाले ओ सब सरकारी लंगर खावन ओ बालन वाला वाले साढ़े ते मामलात ही कुछ होर ने ना एदी मदद नहीं करनी ये साड़ी पार्टी का नहीं ये पीपल्स पार्टी का है मैं तरीके इंसाफ का वा है मैं मुस्लिम लीग का मैं फलाने लिया हुकूमत आ जाए कहता इन्हों सुरमा बना दो आ जाए कहता इन्हों पीस दो मदद नहीं करनी नहीं वो मालक कितना बेपरवाह वे कि सारे वो सामने वोदिया नाफरमानियां भी करते हैं वह फिर भी सबनों अता ही जाता वे बल्कि अपने आप मुखालफा बहुता देंदा अपने मुखालफा अमरीका पूरी दुनिया से हुकूमत कर रहा रब का मुखालफ ही है ना मुखालफा बहुता देंदा कोई ये ना समझे कि अल्लाह ने किसे अदावत की बिना रिजक छोड़ रिजक महदूद कर दिता नहीं कोई अपना कोई बेगाना है कोई यार है कोई अगियार है कोई दोस्त है कोई सज्जन है सबनों अता करता जा रहा है सबनों अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये मेरे रब की शान है कोई अपना तो उन्होंने भी देंदा है कोई बेगाना तो उन्होंने भी देंदा है यो ही कुरान कह रहा है वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून जे कुछ नहीं जे नज़र आता चंद नहीं जे दिसदा सूरज नहीं जे दिसदा जमीन नहीं जे दिसदियाँ आसमान नहीं जे दिसदा और लोगो गल्ला जात नहीं जे नज़र आते बेहतरीन वन समन्ने फ्रूट नज़र नहीं जे आते तो कम से कम अपने वल ही वेख लवो अल्लाह ने जो तेनू बना छड़े है जिथे जिथे जेड़े जेड़े पुरजे चाहिए सन रब ने फिट कर छड़े ने इंजी गल है ना तो रब का फिट किया पुरजा हिल जाए कोई रुपये खर्च करके मशनूई ला भी लवे तो उमें का लुत्फ इंज ही गल है ना गोडे कोई बंदा पवा लवे क्यों बुजुर्गो तो वह गल तो नहीं ना बनती जवानी वाली तो इस तरह ही
यह दंदा की नेमत है, कोई बंदा मसनूई लगवा भी लवे। पहली तो गल महंगे बड़े ने, पहली तो गल। एक दोस्त आ गया माड़ा जमाती सी, कहन लगा मैं दंद लगवाने ने। मैं सिविल हॉस्पिटल फोन किया, जेडे सीनियर डॉक्टर साहब सन, कि इस तरह कोई गरीब बंदा तो कोई इंतजाम है वे दंद लवा का? वह कहते जी लवा का तो कौन नहीं, कटा का है वे, जो कटवाने जो पहले जो रेंगे ने तो भेज दौ। यानी वो भी कीमत नहीं लवाने पैने ने, तो कीमत लवा के भी फिर उस तरह का लुत्फ। ये सारे का सारा कुछ रब ने तेनू तो मैनू बगैर रुपया पैसों तो अता कर दिता, बगैर किसी कीमत तो अता कर दिता है। असी फिर भी निशुकरे, असी फिर भी अपने मालक दी हुकम अदूलियां करिए। अल्लाह पाक सानू अपने दीन दी समझ अता फरमाए, अल्लाह सानू अपनी मारिफत नसीब फरमाए। माशाल्लाह मेरी जमात दे बड़े उम्दा खतीब और बेहतरीन आलम दीन शेखुल हदीस हजरत फजीलत शेख मौलाना अब्दुल रजाक ताहिर साहब हाफिज़हुल्लाह वरा तशरीफ ले आए। अहलम व सहलन मरहबा जी आया नू, अल्लाह पाक इन्हें सेहत व आफियत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। इन्हें हमशीरा मोहतरमा जो साड़ी भी बहन है वह भी बीमार ने, हॉस्पिटल अंदर दाखिल ने, इसके बावजूद भी ये माशाल्लाह दावत व तबलीग वास्ते तशरीफ लाए। तो दर्द दिल नाल दुआ करो अल्लाह पाक उस बड़ी भैणा नू सेहत कामिला आजिला अता फरमाए, अल्लाह शिफाए कुल्ली अता फरमाए। और मौला अब्दुल रज़ाक ताहिर साहब नू अल्लाह सेहत व आफियत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जा अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन।